वेलकम। आज मैं बात करने जा रहा हूं आर मार्कडाउन, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जिस जो डेटा आपने एनालाइज किया, उस डेटा को आप शेयर कैसे कर सकते हैं, वो एक रिप्रोड्यूसेबल डॉक्यूमेंट कैसे बन सकता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो है वो रिसर्च जो थी उसके बारे में कहा जाता था रेप्लीकेटेबल रिसर्च, जिसको आप रेप्लीकेट करते थे। बट लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज स्पेशली मेडिकल साइंस में कि ये डेटा, ये जो रेप्लीकेशन है, ये पॉसिबल नहीं है या इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब ये है कि जो आपकी रिसर्च है वो रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक मॉडलिंग है, जो इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं, जो आप रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, तो क्या हो कि वो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करना है, डेटा प्रोवाइड करना है, कोड प्रोवाइड करना है, मैं उसको रन करूं, अगर वो रिप्रोड्यूस हो जाता है तो इट मींस कि आपका काम सही है। अब जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कुछ सीनियर इकोनॉमिस्ट ने कोई मॉडल्स, उन्होंने कोई हिडन मॉडल्स हैं और उसकी बेस पे आके वो मीडिया पे बात करते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट बात करते हैं कि जी हमारा ये मॉडल है, इसकी बेस पे ये प्रिडिक्शन आ रही है, इसकी बेस पे हमारे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसकी बेस पे ये लग रहा है ऐसे होगा, लेकिन वो मॉडल हमें नहीं पता, उसके पीछे वो डेटा क्या यूज कर रहे होते हैं हमें नहीं पता, उसके पीछे जो है उनका प्रोसीजर ऑफ जो है गेटिंग दोज रिजल्ट्स वो हमें नहीं पता। तो ये जो है ना, ये आज के दौर की रिसर्च में बहुत ज्यादा डिजायरेबल चीज नहीं है। तो आर जो है वो आपको हेल्प करता है कि यू कैन हैव अ रिप्रोड्यूसेबल डॉक्यूमेंट। तो व्हाट्स आर, आर मार्कडाउन, तो आर मार्कडाउन एक लैंग्वेज है, एक यानी कि एक बेसिकली डॉक्यूमेंट को डिफरेंट वर्जियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं पेन डॉक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। इसमें अगर टेक्निकली मैं छोटी मोटी गलत बात कर जाऊं तो आपने पेन डॉक, मार्कडाउन, ये चीजें खुद से ब्राउज करनी है। मैं आज आपको एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको अपने रिजल्ट्स को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हीं रिजल्ट्स को आप जो है वो यूज कर सकते हैं, वही रिजल्ट आपके वर्ड में या पीडीएफ में या एचटीएमएल जो वेब वर्जन है उसमें यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले अगर आपको इसमें ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो यहां पे देखिए, ये आपके सामने है आर मार्कडाउन डॉट आर स्टूडियो डॉट कॉम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो आर स्टूडियो क्या करता है, आर मार्कडाउन हेल्प्स यू टू एनालाइज, शेयर, रिप्रोड्यूस, यू कैन टेल अ स्टोरी विद दैट, यू कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, मैं भी आपको दिखाता हूं, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड डैशबोर्ड। आप अपने आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट जो है, जैसे मैंने भी बात की कि फुल्ली रिप्रोड्यूसेबल है और डिफरेंट लैंग्वेजेस से ये जो है वो कनेक्टेड है, तो आप इसको HTML, PDF, Word में, Beamer इज वेरी यूजफुल फॉर प्रेजेंटेशंस। अनफॉर्चुनेटली हम पावर पॉइंट से कभी इधर उधर सोचा कभी नहीं है, इसलिए हमें Beamer वगैरह की बहुत ज्यादा पता नहीं है। हम देखेंगे शाइनी एप्लीकेशंस, थोड़ी सी एडवांस चीज है, साइंटिफिक आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, तो ये वो चीजें हैं जो आप बाद में जो लोग इसको ज्यादा जो है वो ब्राउज करना चाहें, सीखना चाहें, तो दे कैन लर्न एट देयर ओन। इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट की। तो आप जैसे हम आर की फाइल ओपन करते रहे हैं, थोड़ा सा आप पिछले वाले लेक्चर्स देखें तो आप देखिए, तो यहां पे आज हम न्यू फाइल में आर सबस्क्रिप्ट ओपन करने की बजाय हम यहां ओपन कर रहे हैं आर मार्कडाउन। अब आर मार्कडाउन का मैंने कोई नेम दे दिया, माई मार्कडाउन डॉक्यूमेंट, माई मार्कडाउन। अब देखिए, आप चाहते हैं तो HTML वर्जन प्रोड्यूस कर लें, चाहे तो PDF वर्जन जिसमें लेटेक्स यूज होती है, या आप वर्ड का वर्जन यूज कर लें, तो हम बाय डिफॉल्ट इस वक्त HTML कर रहे हैं। जब आप ये करेंगे तो ये चीज आपके सामने खुद से ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए तीन जो है ये डैशेज हैं, और इसके बाद ये जो आपके पास नीचे यहां पे तीन डैशेज हैं, तो इसके दरमियान में जो चीज है इसको हम कहते हैं YAML हेडर, YAML, yet another markdown language. So this is called YAML header. This is called metadata. Metadata means data for data. और ये जो है ये basically knitter जो है ये option है,
जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, ये जो हमारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रिप्रोड्यूस करेंगे या इस डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करेंगे, तो ये बेसिकली निटर ऑप्शन के थ्रू होता है। अब ये जो आर है इसमें आपके पास क्या है, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, उसी के दरमियान एनालिसिस कर सकते हैं, उसी के दरमियान आप अपनी कॉमेंट्री कर सकते हैं, रिजल्ट्स की डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास ये तीन बैकटिक्स जो है ये आप लगाएंगे और ब्रैकेट में आर लगा के यहां पे बैकटिक्स लगा देंगे, तो ये एक चीज क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं कोड चंक, कोड चंक। और इस कोड चंक का मतलब है ये आर का कोड है, रन करंट चंक। अच्छा, अब यहां पे देखिए आर मार्कडाउन, तो ये देखिए डबल हैश जब लगाते हैं तो इसका मतलब है लेवल टू हेडर है, थर्ड लगा गए देखिए तो लेवल थ्री हेडर है, लेवल फोर, लेवल फाइव, लेवल सिक्स हेडर है, एक बेस्ट एक हैश लगाएंगे तो लेवल वन हेडर है, मीन्स बहुत बड़े वाला हेडिंग जो होता है। अब यहां पे आप अपनी कमेंट्री सारी की सारी आप इसको रब कर सकते हैं, आप इसको रब करके सारी कमेंट्री खुद से लिख सकते हैं, जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है फाइल की वो सारी की सारी कि जी ये हमारा लेबर फोर्स सर्वे एनालिसिस है, ये हमारा ग्रोथ डेटा एनालिसिस है, ये हमारा यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस है, ये सारी आप यहां पे अपनी और इस डेटा में आप इस तरह की चीज करने जा रहे हैं, जो कि आपको किसी और डॉक्यूमेंट में दिखाता हूं। यहां पे जो डेटा यूज हुआ वो देखिए आर कार्स, ये कोड का नाम है कार्स, और यहां समरी डेटा एक कार्स का यूज है, ये बाय डिफॉल्ट जब भी ओपन करेंगे तो ये चीज ओपन होगी। ये देखिए फिर टेक्स्ट आ गया, ये डबल प्लॉट डबल हेडर के साथ, और ये प्रेशर आ गया, और ये देखो इको फॉल्स का मतलब ये है कि वो आपके पास जो है कोड डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इको फॉल्स, वार्निंग फॉल्स, मैसेजेस फॉल्स, ये चीजें आप सीखते रहेंगे। ये आप यूं समझें कि मार्कडाउन डॉक्यूमेंट बन गया, यहां पे आप अपनी हर चीज लिख सकते हैं, मैं जिसका थोड़ी देर में डिस्क्राइब करता हूं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेव कर लेना है, इसको आपने सेव एज करेंगे। ये देखिए जब मैं इसको कहता हूं HTML से इसको सेव कर लें, तो वो मेरे से पूछता है इस चीज को आपने सेव करना है, तो लेट से मैंने यहां पे लिख दिया माई मार्कडाउन, सेव हो गया है। और ये देखिए ये रिप्रोड्यूस हो गया है यहां पे ये डेटा, तो ये देखिए आपने जो अभी काम किया था आर मार्कडाउन, तो ये आप देखिए अगर ये हेडर है, अगर आप इस हेडर को एक हैश लगाते तो इससे बड़ा हो जाता, तीन हैश लगाते तो छोटा हो जाता, लेवल टू हेडर है। ये वो चीज है जो आप खुद से अपनी पूरी की पूरी कमेंट्री यहां पे देंगे। ये देखिए कार की समरी डेटा, समरी ऑफ कार्स डेटा यहां पे गिवन है, और ये देखिए इंक्लूडिंग प्लॉट्स पे आपका डबल हेडर लगा हुआ था, तो ये इंक्लूडिंग प्लॉट्स आ गया, और ये नीचे वो मैसेज आ गया। अब इस काम को, और ये आप चाहते तो वर्ड में कर लीजिए। ये देखिए मैं अब इसको नीट करने जा रहा हूं, जब सेव कर लिया नीट टू वर्ड, मैं इसको इसी डॉक्यूमेंट को मैं करने जा रहा हूं नीट टू वर्ड। तो ये देखिए अब मेरे पास ये वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखिए ये माई मार्कडाउन, ये देखिए वही चीज उसी तरह से। और अगर आप ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल दिस। तो ये देखिए अब मैंने यहां पे अभी भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको सबसे सीरियस मसला ये होता है कि वो जब स्टेटा से या किसी जगह से ये टेबल को कॉपी करते हैं और वर्ड में पेस्ट करते हैं तो अलाइनमेंट ही नहीं हो रही होती। अलाइनमेंट होती है तो डॉक्यूमेंट की या वो ग्राफ या वो जो टेबल है उसकी वो इनिशियल शेप नहीं आ रही होती। तो ये आर मार्कडाउन आपको हेल्प करता है इन सारी चीजों में। अब इसी चीज को देखिए, तो हमने ग्रोथ डेटा, यू नो के जी आप, हमने इसको टाइम एंड अगेन डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस बात पे दोबारा से आ जाता हूं। तो ये देखिए अगर मैं इस वक्त ग्रोथ एंड ट्रेड शेयर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बात की थी 24 मार्च को, तो ये आपके पास PDF डॉक्यूमेंट या कोई भी आपके पास, तो ये तो वही चीज आ गई जो अभी मैं बात कर रहा था। मैं यहां ये बात कर रहा हूं कि आपको ये कोड खुद से इंसर्ट करना है। तो ये देखिए यहां पे आप अगर तीन बैक टिक्स लगा देंगे जो कि टिल्डा के साथ वन के साथ वाली है आर, जो ही आपने ये आर लगा दिया, और यहां पे देखिए
जब आप इसको तीन बैक टिक से, ये जो है इसके दरमियान आपने आर की कमांड्स लिख लेनी, यहां पे वाइट स्पेस पे, यहां पे जो है ये आपने अपनी अदरवाइज चीजें लिखते रहना है। इसी में आप इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, आप सारी मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। तो ये देखिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इस पे दो हैश लगे हुए हैं, तो ये सेकंड लेवल हेडर होगा। ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है तो ये इक्वेशन डिस्प्ले हो जाएगी इस फॉर्म में, तो यहां इक्वेशंस लिखना बहुत ही आसान है। इसी तरह से अगर मैंने इसको जो है वो बोल्ड करना चाहता हूं, तो ये मैंने यहां पे स्पेस देख के हैश और ये लगा दिया है, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, तो ये बोल्ड हो जाएगा। दिस इज कोड चंक। अगर मैं इसको रन करूं, अगर इसने मुझे एरर नहीं दिया, ये सारा ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब मेरा कोड चंक जो है वो सही था। अगर एरर आ जाए तो इसका मतलब मेरी कोई लाइब्रेरी अपलोडेड नहीं है, डेटा कोई अपलोडेड नहीं है, या कमांड में कोई इश्यू है। तो ये वो चीज है जो मैंने पहले आपके सामने कहीं डिस्कस की हुई है। तो इसको आप देखिएगा, ये मेरे 5 पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए है, और इन रिजल्ट्स को मैंने डिस्प्ले किया अपनी पिछले वाली वीडियो में। तो यहां पे आप जितनी चीज है, आप यहां पे कोई और अपनी चीज लिखना चाहते हैं, ट्रेड शेयर, तो कोई भी आप जो अपनी चीजें लिखना चाहते हैं यहां पे लिख लीजिए, और बाद में आप इसको नीट कर दें। अगर आप इसको नीट कर देंगे, ये देखिए यहां पे मैंने उसे कहा नीट, HTML से करना है नीट, HTML कर ले, नीट टू PDF करना है, लेटेक्स का डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है, तो आप देखिएगा अगर मैंने सही किया है तो ये लेटेक्स का डॉक्यूमेंट PDF डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गया है। और अगर आप चाहें तो कोर्स ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी जो है जो हेडर्स हैं उसकी कॉन्टेंट्स जो है वो टेबल बन जाता है ऊपर। तो ये देखिए सारे टेबल्स जो है अलाइंड है प्रॉपर, रादर देन वेस्टिंग योर एनर्जीज ऑन अलाइनिंग टेबल्स एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे टेबल यहां पे प्रॉपरली अलाइंड हैं। आप इसी को HTML करना चाहते हैं तो जस्ट गो टू HTML डॉक्यूमेंट, तो HTML डॉक्यूमेंट एक वेब वर्जन डॉक्यूमेंट बन सकता है। आप चाहें तो इसको जो है वो अपनी आर मार्कडाउन या किसी वेबसाइट से कनेक्ट करके, तो ये देखिए आर डॉक्यूमेंट बन सकता है, ये पूरे का पूरा रिप्रोड्यूसेबल है, सारे टेबल्स आपको नीट क्लीन नजर आ रहे हैं। तो आई होप कि ये आप आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बेसिक सा मार्कडाउन डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करने की कोशिश करें। जब ये आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो देन आप देखिए ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं। ये देखिए आपके सामने उसने जो है वो लुक हियर कितना जबरदस्त डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये सारे का सारा। यू डोंट नीड टू राइट डाउन एनीथिंग इन वर्ड इन समथिंग अदर देन आर मार्कडाउन, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक ही फॉर्म में मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसकी थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस कर लें। आप चाहें तो आर की ये यहां पे बुक्स में जाइए तो इसी चीज को यूज करते हुए आप बुक लिख सकते हैं, इसी चीज को यूज करते हुए ये देखिए सारी बुक्स जो है वो इसी में लिखी हुई हैं, इसी चीज को यूज करते हुए आप जो है वो अपने डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, आप रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो ब्राउज इट, आई होप कि इससे आपको काफी जो है वो एडवांटेज मिलेगा, आप पूरा थीसिस जो है अपना आर में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मेरी अगली वीडियो होगी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद इंटरेक्टिव रिग्रेसर्स, व्हाई डू वी नीड इंटरेक्शन अमंग वेरिएबल्स। थैंक यू।